रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही। फ्रेंड्स, काफ़ी नर्वस लग रहे हैं आप लोग सब कि आज अपर सर्किट लगकर बीसीजी फिर से नीचे आ गया, और सबको उम्मीदें थी कि ये अब तो 220 या 250 के बाद ही अपर सर्किट रुकेगा, और आज अपर सर्किट टूट गया, सर्किट ओपन होकर नॉर्मल ट्रेडिंग हो गई। तो आप सब लोग काफ़ी हैरान परेशान हैं, सबके मन में काफ़ी सवाल हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आज काफ़ी लोगों ने बाइंग भी किया होगा, काफ़ी लोगों ने एम ऑर्डर लगा कर रखी होगी, और उनको सबको ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गई होगी। तो आज खुशी के जगह पे सब लोग निराश होंगे और मन में सवाल होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आइए जानते हैं, उसके पहले आज का ट्रेडिंग समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आज एनएससी के ऊपर बीसीजी जो ओपन हुआ था, अपर सर्किट में ओपन हुआ था, बाद में 175 तक गया और बाद में क्लोज हुआ 181 पर। और एनएससी के ऊपर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए 52 लाख, और बीएससी के ऊपर ये ओपन हुआ था 190 पे ही, मतलब अपर सर्किट में ही क्लोज हुआ था, बाद में नीचे गया था 172 तक, बट फिर से क्लोज हुआ 181 पर। और एनएससी और बीएससी मिलाकर टोटल हुए 60 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हुए एज़ कम्पेयर टू फ्राइडे। फ्राइडे को सिर्फ 6 लाख हुए थे, सो अराउंड 10 टाइम्स मोर। एक ही दिन में देखिए, एक ही ट्रेडिंग सेशन में इतना ज़्यादा फर्क आ गया, 10 टाइम्स मोर इसमें ट्रेडिंग हुई। अब सवाल ऐसा आता है कि ये सब हुआ क्यों। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी फैक्टर्स है इसके अंदर। सबसे पहले देखिए, अपसेट होना नहीं होता है कोई भी शेयर। अगर हमारा जो फेवरेट शेयर होता है, हम काफ़ी उम्मीदें लगाकर चलते हैं कि अपर सर्किट लगेगा, जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हमें उसकी कीमत नहीं रहती है। आज सब लोगों को मिल गया होगा बीसीजी, बट खुशी नहीं हुई होगी, सबको पछतावा हो रहा होगा कि अरे यार, मैंने आज क्यों लिया, आज लेना नहीं चाहिए था, वेट करना चाहिए था। ये साइकोलॉजिकल बातें होती है मार्केट में। फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं भागती है, काफ़ी फैक्टर्स मार्केट में डिराइव करते हैं। जैसे कि इसमें नंबर वन रीज़न जो है ब्राइटकॉम ग्रुप का, कि इसको 190 का काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, और काफ़ी दिनों से 190 को टच करता है, 189-190 को, और वहाँ से फिर से फॉल हो जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। बट एट द सेम टाइम इसमें देखिए, 170 का भी स्ट्रांग सपोर्ट भी है बीसीजी को, 170 को टच करता है, फिर से ऊपर आ जाता है। और पॉजिटिव बात आप सोचिए कि आज लोअर सर्किट में नहीं गया, फिर भी आज फिर भी सस्टेन कर गया, और जो क्लोजिंग था फ्राइडे का उसी के आसपास क्लोज होके, मतलब ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। हाँ, जो लोगों ने एम ऑर्डर लगाकर बाय किया होगा, मैंने भी किया था ऑनेस्टली, मुझे भी आज 189 में ही मिले शेयर, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती है। आप लोगों को फ्रेंड्स ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। और देखिए, इसमें लॉन्ग टर्म अगर व्यू रखेंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेयर इन द मार्केट। तो आप छोटे मोटी थोड़ा बहुत एक दो दिन नहीं भागा, अपर सर्किट नहीं लगा, तो आप तुरंत अपसेट मत होइए। क्योंकि देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी, देखिए मैंने आपको बार बार कहा है कि इसमें काफ़ी लोगों ने बहुत लोअर लेवल से बाय किया हुआ है, तो उनको एक डर लगता है कि भाई 190 के बाद अगर नहीं ऊपर गया तो इसके कारण अभी से बेच दो, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लो। क्योंकि देखिए, रिसेंट पास में हमने देखा था 159 तक भी गया था, तो वहाँ जो लोगों ने ऐसे लेवल पे बाय किया हुआ है वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बट एट द सेम टाइम आप ये भी सोचिए कि 60 लाख शेयर्स बेचे गए तो उतने शेयर्स लिए भी गए, तो इसमें ऐसा कोई निराश होने वाली बात नहीं है कि भाई तुरंत गिर जाएगा, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव बात है। आप मेरे दो वीडियो देखी है, 25 रीजंस टू बाय होल्ड बीसीजी फॉर लॉन्ग टर्म एंड 21 रीजंस टू होल्ड बीसीजी फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोगों ने बीसीजी को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। फ्रेंड, शॉर्ट टर्म के ये थोड़े से अप्स एंड डाउन से निराश नहीं होना है। और मैं कभी भी यही कहता हूँ, कोई भी स्टॉक में, वो बीसीजी हो या दूसरा कोई स्टॉक हो, इतना ही पैसा लगाइए जितना से आपको, आपकी नींद ख़राब नहीं होगी,
यू विल नॉट गेट डिस्टर्ब मेंटली। तो आपने अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, अगर आपने कम जगह पर लिया हुआ है तो आपने टेंशन लेने की बात नहीं है। आपने 170 के ऊपर लिया हुआ है, जो कि काफ़ी लोगों ने न्यू एंट्री की है, उन लोगों की एवरेज 170 है, तो वो लोगों को घबराहट हो जाती है फिर से कि अभी लिया था। तो आप बेस्ट यही काम कीजिए, अगर आपको डर लग रहा है तो आप अपना एक तो स्टेक कम कर दीजिए या निकल जाइए। क्योंकि देखिए, टेंशन लेके बार बार आप अगर घबरा जाएंगे मार्केट में कि अरे यार तो चलना चाहिए था। देखिए मार्केट उल्टा आज पॉजिटिव था, फिर भी BCG गिरा, क्योंकि एक देखिए टेक्निकल्स भी चलता है शेयर्स में, ऐसा नहीं होता है किसी भागता ही है। और BCG की इक्विटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी एज यू नो 2 लाख हो चुके हैं, तो उसके कारण सेलिंग भी इसमें कभी कभी आ जाती है। और ये भी पॉसिबल है कि भाई इसको गिरा के फिर से लोअर लेवल से फिर से बाइंग करेंगे, ऐसा भी लोगों का एक ये होता है। जो बड़े इन्वेस्टर्स लोग होते हैं वो जोरदार सेलिंग कर देते हैं कि सो दैट घबरा के हम लोग बेच के निकल जाएं और नीचे के लेवल से फिर से उसको बाइंग हम लोग करके एवरेजिंग कर सकें। तो आपने पैसा उतना ही लगाना है कोई भी स्क्रिप्ट में, कोई भी शेयर में, जिसमें आपको टेंशन ना रहे। और लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। देखिए बचपन में हम लोग जब रोलर कोस्टर राइड में जाते थे या जायंट व्हील में बैठते थे तो हम लोग आंखें बंद कर लेते थे, हमारे माँ बाप है, हमारे पेरेंट्स हमारे आंखें बंद कर देते थे, घबरा रहा है तो आंखें बंद कर लें। वैसा ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको ऐसा डर लग रहा है तो आप ये सोचिए BCG के पास हमें 2-4-6 महीने देखना ही नहीं है, आंखें बंद करके बैठ जाइए, जो हो रहा है होने दीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो, अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से कर रहे हैं तो ये तो चलते रहेगा। बार बार आप घबरा कर अगर टेंशन ले लोगे अरे क्यों गिरा नहीं चला, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अपर सर्किट में चलना चाहिए था, थोड़ा सा स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत, काफ़ी शेयर्स में इतना ज़्यादा उछाल नहीं देखा गया, मार्केट ऊपर गया फिर भी इतना मूवमेंट नहीं था, तो ये सब चलते रहता है, इसके कारण घबराने की बात नहीं होती है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो शेयर है ये लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करने के हिसाब से सोचिए। अभी काफ़ी पॉजिटिव मूव्स आना बाकी है। अच्छा, आप सोचिए बोनस डिक्लेयर किया फिर भी क्यों गिरा, क्योंकि फ्रेंड्स बोनस का अभी काफ़ी टाइम है। मैं वही बोला, अभी पूरा तो फेब्रुआरी पूरा इसमें चलने वाला है, वोटिंग होगा, ये होगा, तो बोनस का जब एग्जिट आएगा उसके बाद आसपास भी फिर से तेजी देखने को मिलेगी। और इसमें अभी तो देखिए पॉजिटिव न्यूज़ आना बाकी है, मीडिया मिंट सॉरी ऑडियो जो डिवीजन है उसका एक्विजिशन का न्यूज़ आना बाकी है, ऐसे काफ़ी पॉजिटिव बातें इसमें निकलती रहेगी। और मार्च क्वार्टर भी अच्छा आएगा, तो सभी पॉजिटिव बातें हैं। लॉन्ग टर्म व्यू रख के अगर आप करेंगे तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। छोटे मोटे इससे आपने घबराना नहीं है कि आज इसमें गिर गया, ये भी हो सकता है कि ये कब और नीचे गिरे, तो आप घबरा के क्या करेंगे। तो भाई अभी जो ट्रेडिंग चल रहा है, कल अगर ट्रेडिंग नॉर्मल होगा तो आप बेच के निकल जाना। और एक बहुत ये बात ये भी होती है, देखिए कल बजट है, बजट के कारण भी स्पेकुलेशन होता है लोगों के मन में कि बजट अगर ख़राब आया तो मार्केट ज़ोरदार गिरेगा, ज़ोरदार गिरने के बाद अच्छे अच्छे शेयर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो डर से भी काफ़ी लोगों ने आज बेच दिया होगा कि बजट के कारण अगर मार्केट फॉल हुआ तो हम BCG को बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चलता है लोअर सर्किट में या अपर सर्किट में, इसलिए डर के मारे भी लोगों ने आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी। ये भी एक कारण हो सकता है कि प्री बजट फियर कि बजट अगर एक्सपेक्टेड के हिसाब से नहीं आया और मार्केट गिरा तो BCG में भी लोअर सर्किट लग सकता है, तो उसके पहले ही आज बेच के निकल जाओ, ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो एक तो देखिए बहुत एक्साइट नहीं होना है। अगर भाई अपर सर्किट लग रहा है जब हमें चाहिए रहता है, जब मिलता नहीं है, जब हमें लगता है मिलना था क्यों नहीं मिला, और जब मिल जाता है तो हमें खुशी नहीं होती है, तो ऐसा नहीं करना होता है। ये मैं जानता हूँ, ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ के पीछे हम भागते हो, जो नहीं मिलते जब तक भागते हैं, मिल जाती है तो हमें फिर वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो यू डोंट गो बाय दैट साइकोलॉजी, होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। या सी द बेस्ट वे इज टू होल्ड एज मेनी शेयर्स एज यू वॉन्ट टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। आपके पोर्टफोलियो का 5% से 10% जितना भी आपका कैपेसिटी है उतने ही शेयर रखिए जिससे आपको टेंशन ना आए। और आप भूल जाइए लेके, बार बार ये टेंशन मत लीजिए कि मैंने भाई इतना ज़्यादा मेरिट पे ले लिया अभी चल नहीं रहा है तो क्या करूँ। एंड यू शुड एज आई ऑलवेज से, यू शुड ऑलवेज कीप योर पोर्टफोलियो यू नो डाइवर्सिफाइड। ऐसा करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। BCG इज बेस्ट शेयर फॉर लॉन्ग टर्म, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। एक दो फॉल आए भी तो हो सकता है फिर से और नीचे गिरे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो आप इससे घबराना नहीं है। देखिए फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इफ़ यू टॉक इन टेक्निकल टर्म्स, इसका एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। तो ये काफ़ी दिनों से वही रेंज में घूम रहा है, 170 और रेंज में जो घूम रहा है, तो हो सकता है अचानक एकदम बड़ा मूव आके ब्रेकआउट होके शेयर काफ़ी ऊपर निकल जाएगा, ऐसा आप ये पॉजिटिव बात सोचिए। और इसमें ASM लिस्ट में होने के कारण इसका मूवमेंट भी काफ़ी लिमिटेड हो चुका है, 5% का ही इसका अपर सर्किट का लिमिट है, और वो अभी स्टेज 4 से कब स्टेज 3 और 2 में जाएगा कह नहीं सकते। उसका कारण ये है
कि जब तक इसका अपर सर्किट लोअर सर्किट का जब नेचर ख़त्म हो जाएगा तभी इसको एएसएम स्टेज 4 से निकाल के स्टेज 3 या 2 में ले जाया जाएगा, ये भी बात ध्यान रखिए। तो ये इससे कौन हो सकता है कुछ पॉजिटिव बात हो जाए और एएसएम स्टेज 4 से निकाल के 3 या 2 में डाल देंगे तो ये भी बेनिफिशियल होगा ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर के लिए। तो इसीलिए घबराना नहीं है फ्रेंड्स, डोंट वरी। मैंने भी आज बाय किए हैं, 189 में ही बाय किया मैंने, मैंने भी एम ऑर्डर लगा के रखी थी, मुझे एग्जीक्यूट हुई ऑर्डर वो। और मैं यही कहता हूँ थोड़ा थोड़ा लेना, कभी भी एक साथ बहुत ज़्यादा पैसे लगाना नहीं, हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा बाय करना, ये प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करेंगे तो एक्साइट नहीं होंगे। प्रॉब्लम क्या हो जाता है जब नहीं मिलता है तो हम और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं डर के मारे के, नहीं नहीं अभी तो लेना ही है लेना ही है, लास्ट चांस है। ऐसा इन्वेस्टमेंट कोई भी स्टॉक में करना नहीं होता है, हर लेवल पर थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। कोई भी स्टॉक ना परमानेंट गिरता है ना कोई ना स्टॉक परमानेंट भागता है। और इसका तो क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गिरेगा ऐसा आप सोच के मत चलिए, मार्केट चलेगा अभी तेज़ी आएगी अगर तो इसमें फिर से तेज़ी आएगी, आप टेंशन मत दीजिए। क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन को देखता है, इसका वैल्यूएशन फेयर रहेगा और फेयर है अभी, तो वो हिसाब से इसमें बाइंग आएगी। तो आप घबराइए मत, थोड़े बहुत इससे जो अगर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज की कोई कोई लोगों ने बाय किया है क्या, आज किस किस लोगों ने बाय किया सेल किया, सबको पता चलना चाहिए। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि किन लोगों ने बेचा किन लोगों ने बाय किया, और एकदम ऐसा अपसेट होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेयर इन द मार्केट। एंड थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डाउन द लाइन 6 months to 1 year to 2 years to 5 years, ऐसा सोच के आप रखेंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी, भूल जाइए। पर आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर घबराहट होती है तो क्वांटिटी कम रखिए जिससे आपको टेंशन ना हो, पैसे को देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े। मार्केट में और भी शेयर है, सभी के ऊपर अपन ध्यान रख सकते हैं। मैंने रखे हैं तो मैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से रखता हूँ और लेता हूँ, मैं इस पे ध्यान नहीं देता हूँ इतना। तो आप भी तो वो हिसाब से हिम्मत रखिए, डोंट वरी। देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज यू हैव द BCG एंड यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि यू हैड अ BCG, मेरे पास BCG है। यही बात ध्यान रख के आपको बने रहना है, डरना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि डर के आगे जीत है। एंड प्लीज़ कमेंट एंड टेल किन लोगों ने बाय किया किन लोगों ने सेल किया एंड वॉट इज़ योर व्यू। और इसके अलावा तो आप ज़रूर बताना, एवरी वन शुड कम टू नो वॉट यू फील अबाउट BCG। थैंक यू फ्रेंड्स।